अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो और आपके पास एक एवरेज सा लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप है जिसपे कि आपका ऑफिशियल काम तो हो जा रहा है बट उसका जो स्पेक्स है वो उतना ज्यादा हाई नहीं है जिससे कि आप उस पर्टिकुलर कंप्यूटर पे अच्छा खासा एडिटिंग कर पाओ, वीडियो एडिटिंग, एडिटिंग मान जाए थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का वीडियो एडिटिंग, बिकॉज अभी का टाइम ये है कि थोड़ा सा तो प्रोफेशनलिज्म रखना पड़ेगा, है ना। तो अभी आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन बचे रहते हैं, लाइक एक तो है कि आप कंप्यूटर को बेच दो और दूसरा वाला ऑप्शन जो है वो है कि आप यहाँ पे क्लाउड वीडियो एडिटिंग को यूज करो। हाँ, अभी आप लोग सोच में पड़ गए होंगे कि यहाँ पे तो हमने क्लाउड गेमिंग के बारे में सुना था, अभी ये क्लाउड वीडियो एडिटिंग कहाँ से आटप का? देखो मैं समझाता हूँ, ये जो क्लाउड वीडियो एडिटिंग है उसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की अपने पीसी पे कोई भी जरूरत नहीं। आप किसी भी ब्राउजर को ओपन करके एक पर्टिकुलर साइट रहेगा उस पे जाके एंटर करके उसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे आप किसी भी टाइप के वीडियो को एडिट कर पाओगे, लाइक अपने खुद के फुटेजेस को उस पे अपलोड करके उसके बाद अपना जो अतरंगी सोच है उसको डाल के आप अच्छा खासा आउटपुट को निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात। मुझे पता है कि अभी आप लोग ये सोच में पड़ गए होंगे कि भैया जी अभी किस पर्टिकुलर क्लाउड वीडियो एडिटिंग प्लेटफॉर्म को यूज करें। डोंट वरी, लेकर आया हूं ना एक बहुत ही कमाल का क्लाउड वीडियो एडिटर इन वीडियो, व्हिच इज एक्चुअली एन ऑनलाइन वीडियो एडिटिंग प्लेटफॉर्म। सिर्फ इंटरनेट की जरूरत पड़ेगा और आप बहुत ही आसानी से वहां पे किसी वीडियो को एडिट कर पाओगे, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो ऐसे टाइप के वीडियोस। हां, जब तक आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है तब तक आप अपने किसी भी डिवाइस पे किसी भी वीडियो को बहुत आसानी से एडिट कर पाओगे। इट कुड बी अ लैपटॉप, पीसी, मैकबुक, व्हाटएवर, स्मार्टफोन, कुछ भी हो जाए आप किसी को भी यूज करके आप वीडियो को एडिट कर पाओगे बहुत आसानी। और ये इन वीडियो सच में एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है अगर आप स्पेशली एक बिगिनर हो, लाइक आपको उतना ज्यादा आइडिया है नहीं वीडियो एडिटिंग के बारे में, तो फिर आप बहुत आसानी से इस पे वीडियो एडिटिंग कर पाओगे, सिंपल है। सो देखेंगे आज के इस वीडियो पे कि कैसे इस पे एडिटिंग वगैरह करना है, और हां ध्यान से देखना पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है, माय नेम इज आकाश, हैव अ रिलैक्स, सी यू नॉट फॉर माइंड। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वैसे लाइक कर देना, आप लोग लाइक करते हो अच्छे हो। वेल, अभी हम आ चुके हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे, जैसे कि आप देख सकते हो, और मैं भाई छोटा हूँ। एनीवेज, ये है invideo.io का जो इंटरफेस है, वेबसाइट का इंटरफेस ये, और बाकी विजिट करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रखा है, आप जैसे ही इस पर टैप करोगे तो फिर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। बट उससे पहले मैं एक चीज बोल दूं कि इसमें आपको 4000 प्लस कंप्लीटली कस्टमाइजेबल टेम्पलेट्स देखने को मिलता है, और ये टेम्पलेट्स कोई एरागरा टेम्पलेट्स तो है नहीं, एंड ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे 10 मिलियन एसेट्स मिल जाएंगे जिनको यूज करके आप एक प्रीमियम क्वालिटी का वीडियो को आप एडिट कर पाओगे, और बाकी यहाँ पे स्टॉक वीडियोज भी अवेलेबल है जिनको आप यूज कर सकते हो अपने वीडियो पे। जैसे कि आप देख सकते हो कि इसका इंटरफेस ऐसा है दिखने में वेबसाइट का, और यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो साइन अप करना है क्योंकि आपके पास तो अभी अकाउंट है नहीं ना, तो मैंने पहले यहाँ पे साइन अप कर लिया था, दैट्स व्हाई मैं अभी यहाँ पे लॉग इन करूंगा। लॉग इन करते ही मेरे पास कुछ ऐसा इंटरफेस शो कर रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ज्यादा क्लीन है इनका UI, और आपको ना यहाँ पे पहले ही 3 ऑप्शंस देखने को मिल जाता है, लाइक प्री मेड टेम्पलेट्स, 4000 प्लस टेम्पलेट्स है इस पे। सो जैसे मैं यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो फिर आप देख सकते हो कि यहाँ पे ना आपको अलग अलग रेशियो शो कर रहा है कि आपको कौन से रेशियो का वीडियो टेम्पलेट चाहिए इस पे काम करने के लिए। तो फिर यहाँ पे अभी के लिए तो मैंने YD सिलेक्ट कर रखा है, जो कि आप YouTube वीडियोस को बनवाने के लिए आप यूज कर सकते हो, उसके बाद स्क्वायर वीडियो, स्क्वायर वाला जो है उसको आप Facebook या फिर Instagram के लिए यूज कर पाओगे, और यहाँ पे जो वर्टिकल है उसको आप लगभग किसी भी प्लेटफॉर्म पे एज ए शॉर्ट वीडियो का रेशियो आप इसको यूज कर पाओगे, यहाँ पे स्टोरेज वगैरह जो है सब कुछ। हाँ, एनीवेज आप देख सकते हो कि जैसे मैं यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो फिर काफी सारे ना यहाँ पे वीडियो टेम्पलेट्स अवेलेबल है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे अपना जो कर्जर है उसको रख देता हूँ तो फिर आप देख सकते हो कि या आप इसको एडिट कर पाओगे, आप इसको प्ले करके भी देख पाओगे, एकदम म्यूजिक के साथ आपको दिखाएगा, अच्छा लगता है देखने में। बाय द वे, मान लो कि आपको पसंद आ गया, ठीक है, बहुत ज्यादा पसंद आ गया, आपको इसी पर्टिकुलर टेम्पलेट के साथ आगे बढ़ना है, देन यहाँ पे जो यूज दिस टेम्पलेट करके एक ऑप्शन है उस पर टैप कर दो, बस टैप करती है ना यहाँ पे जादू हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ। एज यू कैन सी, आगे बढ़ने से पहले कि यहाँ पे आप ओवरऑल जो एडिटिंग का है ना, मतलब इंटरफेस है, वो आपको यहाँ पे एकदम से शो कर रहा है, ऐसा लगेगा कि मानो आप एक प्रोफेशनल एडिटिंग सॉफ्टवेयर पे अभी काम कर रहे हो, बट ये एक क्लाउड बेस्ड है, ये इतना ज्यादा सही काम कर रहा है। ये देखो आप यहाँ पे जो इसका है ना, इसको आप कहीं पे भी मूव कर सकते हो, उसके बाद यहाँ पे आपको लेयर शो कर रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो हर एक लेयर को आप एडिट कर पाओगे। हाँ, जैसे कि यहाँ पे आपको किस वाले जगह को, लाइक इस वाले पार्ट को, अगर आपको कोई भी चीज को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, लाइक मेरा नाम लिख देता हूँ ना, मारो नाम काफी छे या, तो आप
ऐसे करके एडिट कर पाओगे, उसके बाद यहाँ पे किसी भी पिक्चर को आप डाल पाओगे, ठीक है ना। मान लो कि यहाँ पे अगर मैं टाइप करता हूँ तो फिर आप हटा सकते हो। हाँ हटा दिया, इसको भी हटा दिया। आप अपना जो पिक्चर्स है उनको आप डाल दो, लाइक यहाँ पे अपलोड इमेज पे टाइप करके, उसके बाद मान लो कि मैंने डाउनलोड से एक पिक्चर को सिलेक्ट कर लिया, ये वाला, देन इसको ऐसे करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, बस हो गया। ये देखो आपका जो पिक्चर है वो यहाँ पे अभी शो कर रहा है, आप यहाँ पे इसको प्लेस कर दो, दैट्स इट, इस लेयर पे ये हो गया इसका। बाकी आप इसको चाहो तो ऐसे ऐसे करके छोटा या फिर बड़ा कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ढेर सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल है, आपको अगर पसंद नहीं आ रहा तो फिर आप यहीं से इसको चेंज कर पाओगे अपना जो टेम्पलेट है उसको। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने बताया कि स्टॉक वीडियोस अवेलेबल है, आपको वो सभी यहाँ पे शो करेगा, आप इनको यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देन यहाँ पे इमेजेस पे अगर मैं टाइप करता हूँ, जहाँ से मैंने अपना जो खुद का इमेज है उसको यहाँ पे अपलोड किया था, इस पर टाइप करके, अगर आपको अपलोड भी नहीं करना है देन यहाँ पे आप देख सकते हो कि ढेर सारे यहाँ पे ना पिक्चर्स अवेलेबल है, आप इनको यूज कर पाओगे, कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। उसके बाद म्यूजिक यहाँ पे ढेर सारे अवेलेबल है, आप इनको ट्राई आउट करके देख सकते हो। उसके बाद मान लो कि वीडियो पे थोड़ा सा है ना, लाइक अगर आपका प्रैंक वाला चैनल है तो फिर उनके लिए भी आपको अलग अलग टाइप के लाइक मूवमेंट के रिलेटेड जितने भी साउंड इफेक्ट्स होते हैं वो भी आपको एक एक करके मिल जाएंगे, आप इनको देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट पे टैप करके आप डिफरेंट टाइप के यहाँ पर टेक्स्ट को ऐड कर पाओगे, लाइक अगर मैं यहाँ पे इसको यूज करता हूँ इस वाले फुटेज पे, चेक कर लेते हैं यहाँ पे, ये देखो, ठीक है ना, आप इसको रिसाइज भी कर पाओगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। एनीवेज यहाँ पे लोगो वाले सेक्शन पे आपको लोगो ऐड करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा, और फोल्डर्स पे टैप करके आप अपना जो फोल्डर है लाइक फाइल्स का फोल्डर, उसको आप यहाँ पे डायरेक्टली ऐड कर पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सब कुछ कंप्लीट हो जाने के बाद ये आप यहाँ पे डाउनलोड एंड सेव पे टैप करके आप उस पर्टिकुलर वीडियो को सेव कर पाओगे, या फिर जो भी है आप डाउनलोड कर पाओगे एक्सपोर्ट करके, है ना। और बाकी अभी आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे अगर मेरे को एकदम से एम्प्टी प्रोजेक्ट पे काम करना है तो फिर कैसे करें, आप एकदम स्क्रैच के साथ कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं दिखाता हूँ आपको। उसके लिए ब्लैंक कैनवस पे टाइप करना है, बट उससे पहले मैं थोड़ा सा एक चीज मैं कवर कर लेता हूँ, वो है कि टेक्स्ट टू वीडियो। इससे आप क्या कर सकते हो, इससे आप ये कर सकते हो कि जो होता है ना कि आपको बस टेक्स्ट है दिमाग में, कोई मतलब आइडिया नहीं कि क्या दिखाए इसके रिगार्डिंग, उस टाइम पे ये वाला चीज आपके लिए बहुत ज्यादा काम आने वाला है। लाइक है ना वो लेजेंड वाला जो मैं पहले यूज करता था, टैग्स बिठाया उसके बाद एनिमेटेड एकदम तैयार, रेडियो के तैयार। तो उसके लिए आप इसको ट्राई आउट कर सकते हो, लाइक 50 थीम्स अवेलेबल है। बाकी अगर आपको एकदम स्क्रैच के साथ एकदम खाली एम्प्टी एक प्रोजेक्ट पे काम करना है, देन आपको यहाँ पे ब्लैंक कैनवस पे करना है टैप। टाइप करते आपको यहाँ पे पहले तो रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है, जो कि हमेशा करना चाहिए, देन मेक अ वीडियो पे टैप कर दो, दैट्स इट। देन आप देख सकते हो कि बूम, वही वाला जो है ना इंटरफेस, वही आपको यहाँ पे शो कर रहा है जो आपने टेम्पलेट के साथ किया था, अभी आपके ऊपर है। यहाँ पे आप अपलोड मीडिया पर टैप करके आप अपना जो फाइल है उसको अपलोड करके उसके बाद अपना काम करो, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा झंझट यहाँ पे कम हो जाता है, लाइक आपका पीसी उतना ज्यादा हाई एंड होने की भी कोई भी जरूरत नहीं, हो जा रहा है बहुत आसानी से। बस आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो थोड़ा सा तगड़ा होना चाहिए, ऑब्वियसली वो जो कि ऑफिस पे है होता है। वेल अगर मैं बात करूं कि क्या आप इस पे फ्री में कर पाओगे वीडियो एडिटिंग, हाँ ऑब्वियसली ये फ्री से ही स्टार्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्री है सभी के लिए, उसके बाद हाँ $0 पर मंथ, कोई पैसा वैसा नहीं लगता, गेट स्टार्टेड देने से हो जाता है। बट इस पे दिक्कत ये है कि अगर आप इससे वीडियो को जनरेट करते हो तो फिर यहाँ पे इन वीडियो का वाटरमार्क रहेगा, जो कि बहुत से लोगों को ना भी पसंद आ सकता है, बाकी आपकी मर्जी। उसके बाद हाँ है टेम्पलेट्स है, वीडियो टेम्पलेट्स अवेलेबल है, 3 मिलियन स्टैंडर्ड मीडिया लाइब्रेरी है आपके फ्री के लिए। उसके बाद ऑटोमेटेड टेक्स्ट टू स्पीच का भी फीचर अवेलेबल है, और आपकी वीडियो का ड्यूरेशन सिर्फ 15 मिनट्स तक ही हो सकता है, जो कि चलता है ना। इससे लाइक आप ये ट्राई आउट करके देख सकते हो कि क्या ये आपके लिए सूटेबल हो रहा है, आप इस पे लाइक ट्राई करके तो देख सकते हो ना कि आपको कैसा लग रहा है। और अगर यूज करते करते आपका एकदम लाइक यूज्ड हो जा रहा है ये वाला जो है ना, मतलब
वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी नहीं कह सकते हैं, वीडियो एडिटिंग प्लेटफॉर्म कह सकते हैं ऑनलाइन वाला। तो फिर आपको यहाँ पे बिजनेस वाला जो प्लान है $20 पर मंथ का, उस पे नो वाटरमार्क रहेगा, कोई भी वाटरमार्क नहीं, उसके बाद सब कुछ एकदम फ्री होगा प्लान। देन 10 आई स्टॉक मीडिया पर मंथ मिलेगा, आप एकदम से प्रीमियम क्वालिटी का स्टॉक लगा सकते हो। 1 मिलियन से भी ज्यादा प्रीमियम मीडिया मिलेगा, उसके बाद 60 वीडियो एक्सपोर्ट पर मंथ का वो मिलता है, आप 60 वीडियोस निकाल सकते हो, ड्यूरेशन को कोई दिक्कत नहीं। और बाकी अगर सभी फीचर्स आपको अनलिमिटेड चाहिए देन आपको $60 पर मंथ लगेगा, जो कि आपको पड़ेगा ऑलमोस्ट 4000 के ऊपर। और अगर आप यहाँ पे एनुअल सब्सक्रिप्शन पे जाओगे तो फिर आपको बहुत ज्यादा कम पड़ेगा यहाँ पे। हाँ, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है। यहाँ पे लिखा भी है कि सेव 6 मंथ्स, लाइक अगर आप 12 मंथ्स का प्लान लोगे तो फिर आपका 6 महीने का बच जाएगा। हाँ, और यहाँ पे जो आपको एक कूपन कोड शो कर रहा है ना, परचेस करते टाइम अगर आप इसको यूज करके अप्लाई करोगे तब भी यहाँ पे 50% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सो डेफिनेटली जाओ, जाके चेकआउट करो, मजे लो, एडिटिंग करो। वेल, यही था इनवीडियो नामक एक क्लाउड बेस्ड वीडियो एडिटिंग प्लेटफॉर्म। कैसा लगा इस प्लेटफॉर्म के बारे में जान के कमेंट करके बताना, एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करना। लाइक अगर उनके पास उतना हाई एंड PC अवेलेबल है नहीं, बट उनको एडिटिंग वगैरह करना है, प्रोमोस वगैरह भी बनवाना है, बिजनेस करना है ना, तो फिर शेयर करना जरूर, हेल्पफुल है। और हाँ, जिम्मे तक को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें, मिलते हैं किसी वीडियो के साथ। सो गुड बाय।